महापंचायत में जा रहे हैं, रालोद का क्या स्टेप है अगला? देखिए, हम लोग किसानों के पक्ष में हैं, सरकार को गंभीरता से लेना चाहिए। इतना बड़ा आंदोलन कभी नहीं हुआ और इतनी व्यवस्था को लेकर किसान आए हैं, देश के विभिन्न राज्यों से, देश की अपनी राजधानी में जाना चाहते हैं, अपनी बात रखना चाहते हैं, तो अभी तक सरकार के अड़ियल रवैये से लग नहीं रहा कि कोई हल निकलेगा। और ऐसे में सभी, चाहे वो राजनीतिक हों, सामाजिक हों, कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी बनती है वो किसानों के साथ रहें। उसी उद्देश्य में आज उनके बीच में करनावल जाऊँगा। 26 जनवरी देखिए, ये कॉल किसान संगठनों की है, किसान संगठन लगातार वार्ता कर रहे हैं, हल निकालने का प्रयास कर रहे हैं, हम उनके समर्थन में हैं। बाकी 26 को लेकर हम ये चाहते हैं कि ये महत्वपूर्ण तारीख है देश के लिए, देश के इतिहास के लिए, सब नागरिक इसको अपने ढंग से, अपने रूप से मनाते हैं। इस साल किसान के पक्ष में अपना समर्थन देकर मनाया जाए तो उचित होगा। गाजीपुर बॉर्डर पर आंदोलन के दौरान कई किसान भी शहीद दिवस पर जा रहे हैं। अभी तक सरकार ने संज्ञान नहीं लिया और ये बेहद दुखद है। ये एक अवसर भी है सरकार के लिए कि वो विश्वास जीते किसानों का, उन परिवारों का ख्याल रखे, उन्हें विशेष सम्मान मिलना चाहिए, चाहे राज्य की सरकार घोषित करे, चाहे केंद्र की सरकार घोषित करे। इससे जो आंदोलनकारी है उनके मन में भी एक शांति मिलेगी उनको कि हम सही के लिए आए थे और सरकार ने हमें इज्जत दी। कितना सही मानते हैं जी इस कानून को? देखो, कानून तो सही नहीं है और किसान कोई गवार बेवकूफ नहीं। किसान अपनी किसानी भी समझता है, किसान अपने सरकार को भी जानता है, सरकार से रोज उसे लड़ना भी पड़ता है, उसी सरकारी की नीतियों से उसको फायदा भी मिलता है। इस तंत्र को जिस तरह से बेखूबी से किसान समझ रहे हैं और आज इस कानून का वो विरोध कर रहे हैं, उसका कोई जवाब नहीं, सरकार पे कोई जवाब नहीं। ये कानून चंद लोगों के इशारे पर, चंद घरानों को फायदा पहुँचाने के लिए दिया गया। मुख्य धारा में जो किसानी करते हैं, जो मजदूरी करते हैं, जो छोटा किसान है, छोटे तबके का, जिस पे कम जमीन है, कम जोत है, उसे इस कानून से कोई फायदा नहीं, नुकसान होगा। सत्ता के लोग कह रहे हैं आप किसानों को बरकरार रहे हैं। मैं वही कह रहा हूँ ना, ये वो लोग कह रहे हैं जो सोचते हैं किसान तो गवार है, उसे खुद नहीं पता अपने हित का। अपने हित और अहित को किसान सक्षम है, पहचानते हैं, और किसानों ने वोट करी, आपकी बहुमत बनी, आज अनदेखी करोगे तो वो आपको रास्ता बाहर का दिखा देंगे। तो जो किसान धरने में बैठे हैं, सरकार तो उन्हें किसान मान ही नहीं रही। मैं तो कह रहा हूँ, मैं तो इनवाइट करता हूँ, यहाँ बीजेपी के सांसद हैं, धरने पे एक बार खड़े होकर कह दें कि तुम किसान नहीं हो। सरकार कह रही है किसान नहीं, मैं तो उनको इनवाइट करता हूँ, आप करनावल आ जाओ, गाजीपुर आ जाओ, सिंधु आ जाओ, बीजेपी के मंत्री संतरी जो भी हैं आ जाएं और एक बार पहचान लें कि कौन है किसान कौन नहीं। कहना है कि जो किसान है वो तो बिल का समर्थन कर रहे हैं। वो तो आपने भी देखा है, खुलासा भी हुआ है, चाहे कमेटी के सदस्यों का खुलासा हो, चाहे उन संगठनों का खुलासा हो जिन्होंने दिसंबर में, जिनका पंजीकरण हुआ, आधों का पंजीकरण हुआ नहीं हुआ हमें नहीं पता, जमीन में जिनका कोई अस्तित्व नहीं, वो वजह के कृषि मंत्री के धोरे बैठ के चाय पीकर समर्थन दे रहे हैं।